हेलो एवरीवन, आज का हमारा पाठ है बाल गोविंद भगत। इस पाठ के लेखक हैं राम वृक्ष बेणीपुरी। अगर आपको पाठ में कुछ अच्छा लगता है या कुछ बुरा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। शुरू करते हैं आज का पाठ। बचपन में लेखक ब्राह्मण धर्म के अनुसार पूजा पाठ किया करता था और ब्राह्मण होने के कारण वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ जाति का मानता था, इसलिए वह दोनों समय पूजा पाठ किया करता था। उसे गर्व था अपने आप के ब्राह्मण होने पर। लेखक का सिर बाल गोविंद भगत के सामने झुक गया था। जब भी वह उन्हें देखता था तो वह झुककर प्रणाम करता था। बाल गोविंद भगत अत्यंत साधु प्रकृति के व्यक्ति थे। लेखक स्वयं को पक्का ब्राह्मण समझता था। लेखक ने आषाढ़ के महीने में होने वाली रिमझिम वर्षा का वर्णन किया। इस अवसर पर गांव के सभी लोग अपने अपने खेतों में हल चलाने का और रोपने का काम करने आ जाते हैं। आकाश बादलों से घिरा हुआ रहता है और ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। बाल गोविंद भगत पूरी तरह से कीचड़ में सने होकर भी अपनी रोपनी कर रहे हैं। खेत में धान और अन्य प्रकार की फसल को पंक्तिबद्ध रूप से उगा रहे हैं, यानी कि खेतों में जब फसल उगाई जाती है तो धान की फसल को एक रो में उगाया जाता है, पंक्ति के रूप में उगाया जाता है। उसी समय पर बाल गोविंद भगत मधुर स्वर में गीत भी गा रहे हैं। उनका गीत और संगीत सुनकर के बच्चे झूमने लगते हैं, स्त्रियां गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, यानी कि जो हल चला रहे हैं उनके पैर उनके संगीत पर नाचने लगते हैं और सभी लोग उनके संगीत को सुनकर के खुश हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से बाल गोविंद भगत का संगीत सब पर जादू का असर करता है। गर्मियों की उमस भरी संध्या में अपने स्वर से वह माहौल को शीतल कर देते थे और अपने आंगन में संगीत प्रेमी मित्रों के साथ संगीत की सभा का आयोजन किया करते थे। जो गीत वो गुनगुनाते थे उनके मित्र पीछे पीछे वही गीत गुनगुनाया करते थे। प्रेमी मंडली उन संगीत प्रेमी लोगों की मंडली थी जो उमस की गर्मी में उनके घर पर आती थी। उस समय पर वो करताल बजा करके अब उनके गाए हुए पदों को दोहराते थे और वातावरण में उमस के स्थान पर शीतलता आ जाती थी। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना अपनी चरम सीमा पर थी, यानी कि पराकाष्ठा पर थी। जिस दिन उनके इकलौते पुत्र का देहांत होता है उस समय भी वह गाना गा रहे होते हैं। बाल गोविंद भगत का पुत्र मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण कुछ सुस्त और बोधासा था, यानी थोड़ा वह सुस्त रहता था और बच्चों के जैसा चालाक और चंचल नहीं था। इसीलिए बाल गोविंद उसे अधिक प्यार करते थे ताकि उसमें हीन भावना ना आ जाए। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपे रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। यानी कि बेटे की जो है लाश रखी हुई है उस पर उन्होंने फूल और तुलसी दल भी रख दिया है। पास ही जमीन पर बैठकर वो गीत गा रहे थे और अपनी पतोहू को रोने से भी मना कर रहे थे। कह रहे थे कि आज तो रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है। और क्यों है उत्सव मनाने का समय? क्योंकि उसके पति की आत्मा अब परमात्मा से मिल गई है। बाल गोविंद का विचार है कि मरने के बाद आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, इसलिए कभी भी प्रियजन की मृत्यु पर रोना नहीं चाहिए।
लेखक को कभी कभी यह लगता है कि बाल गोविंद भगत पागल हो गए हैं, क्योंकि वो अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु पर भी शोक नहीं मना रहे हैं बल्कि आनंद मना रहे हैं, और पतोही को भी रोने से रोक रहे हैं और उसे कहते हैं कि आनंद मनाओ, मृत्यु का आनंद मनाया जाए, यह कहते हैं क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिल गई है। उन्होंने अपने बेटे के क्रियाक्रम के समय पर भी कोई आडंबर नहीं किया और बेटे की चिता को पतोहू से आग दिलाई। श्राद्ध का समय समाप्त होते ही उन्होंने पतोहू के भाई को बुलाया और उसे बहन को साथ ले जाने के लिए कहा और कहा कि इसकी दूसरी शादी कर देना, लेकिन वह भाई के साथ जाना नहीं चाहती थी और दूसरा विवाह करना नहीं चाहती थी, वह चाहती थी कि वहीं रहकर उनकी सेवा करे। लेकिन बाल गोविंद भगत पुनर्विवाह की बात करते हैं और कहते हैं कि वह अभी उसकी आयु नहीं है, मनुष्य का चंचल मन होता है, इसलिए कहीं वह भटक ना जाए, इसलिए उसका दूसरा विवाह कर देना ही उचित है। इस बात से पता चलता है कि वह चरित्र के बहुत ही दृढ़ हैं। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत वेशभूषा से साधु नहीं लगते थे, परंतु उनका व्यवहार साधु संतों जैसा था और वे कबीर के भक्त थे। यहाँ पर उनके व्यक्तित्व की बात करें तो वहाँ मंझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक की थी। उनके बाल सफ़ेद थे, वे दाढ़ी तो नहीं रखते थे पर उनके चेहरे पर सफ़ेद बाल जगमगाते रहते थे। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का कारण थी, क्योंकि वे नियमों का दृढ़ रूप से पालन करते थे। सुबह जल्दी उठ जाते, गांव से 2 मील दूर जाकर के स्नान करके आते, नहा करके आते, वापसी में पोखर के ऊंचे स्थान पर खंजड़ी बजाते हुए गीत भी गाते। बाल गोविंद भगत के गायन को ना तो माघ की सर्दी और ना ही जेठ की गर्मी प्रभावित कर सकती थी। बाल गोविंद भगत समाज में प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे, वे जाति पाति को भी नहीं मानते थे और भगवान के निराकार रूप को वह मानते थे। आषाढ़ की फुहार पड़ते ही खेतों में जो है सारा गांव चला आता है और मौसम धान की रुपाई का होता है। इस प्रकार से कहीं हल चल रहे होते हैं तो कहीं धान की रुपाई हो रही होती है। खेतों में ठंडी ठंडी हवा चलती है, उसी समय सबके कानों में एक ठंडा स्वर लहरी आ जाती है और यह स्वर होता है बाल गोविंद भगत का। बाल गोविंद भगत कबीर के भगत थे और वे कबीर को साहब कहते थे और वे कबीर के बताए हुए नियमों का पालन करते थे दृढ़ता के साथ। यानी नियम का पालन जो करते थे वो बिल्कुल सटीक रूप से करते थे, दृढ़ होकर के करते थे। उनके खेत में जो भी पैदावार होती थी वो साहब के दरबार में पहुंचाते थे, यानी कि जहाँ पर उनका स्थान था वहाँ पर पहुँचाते थे, प्रसाद के रूप में जो मिलता उससे अपना काम चला लेते। बाल गोविंद भगत कबीर की तरह भगवान को निराकार मानते थे और निराकार रूप की जो है सेवा करना चाहते थे। वे मृत्यु को दुख का नहीं आनंद का अवसर मानते थे। भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के कई कारण थे कि भगत समाज में प्रचलित रूढ़िवादी सामाजिक मान्यताओं को भी नहीं मानते थे। गांव का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही विशेष रूप से इस कहानी में नजर आता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो बाल गोविंद भगत एक साधु थे, उनका स्वभाव दृढ़ निश्चयी है, उनकी आवश्यकताएं सीमित हैं, उनका स्वभाव बहुत ही सरल है। सरल होने के साथ उनके